नमस्ते दोस्तों, कई शब्दों का यूज हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से अगर सोचे तो इसकी गहराई में हम नहीं जाते। जैसे आत्मसंयम है, यानी कि हमारे अपने इंद्रियों को संयम में रखने का भाव है, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो तपस्या है, तपस्या यानी परमात्मा को प्राप्त करने का भाव है, स्वाध्याय है यानी स्वयं को जानने का भाव है, सरलता है कि सत्य को न छिपाने का भाव है, यानी बहुत गहराई इन शब्दों के अर्थों में छिपी हुई है। और इसी की चर्चा भगवद गीता के 16वें अध्याय में की है कि दैवी संप्रदाय के क्या गुण हैं और आसुरी संप्रदाय के क्या गुण हैं। इस कड़ी में, आज के सीक्रेट की कड़ी में इसकी चर्चा करेंगे। तो आपका सभी का आज के शो में बहुत बहुत वेलकम है, और हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। जैसे अनेक भाव बताए हुए हैं 16वें अध्याय में, और दैवी संप्रदाय के कुछ गुण हैं और आसुरी संप्रदाय के कुछ गुण हैं, तो आप जरा उसको थोड़ा विस्तार से हमारे सामने रखेंगे। पहले कुछ लोगों में 26 दैवी संपदा के गुण दिखाए हैं और बाद में 6 आसुरी संपदा के गुण बताए हैं। और सबसे पहला जो श्लोक है वो है अभयम सत्वम संशुद्धि। शुरुआत अभय से किया है। मुझे यहाँ दो बातें दिखाई दे रही है कि निर्भयता शब्द नहीं है। देखो, अभय और निर्भयता दोनों फर्क है। अभय माना जिसको भय नहीं है, निर्भय माना किसी भी परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। अच्छा। अभय माना भय क्या है वो पता नहीं है। और अ शब्द मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि परमात्मा ने जो अपनी विभूति बताया है उसमें अकार अकार जो है वो परमात्मा का सूचक है। तो अभय शब्द इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि सभी दैवी संपदा वाले व्यक्ति का एक प्रमुख लक्षण अगर कोई है तो वो है अभय। अगर आपको किसी भी प्रकार का डर है, डर है आपके अंदर, तो वो दैवी संपदा वाली व्यक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि डर माना क्या, डर माना जो है वो जाने का डर रहता है, ठीक है ना? तो डर माने कुछ छिपाने का है, बहुत सारी बातें हैं। मैं हमेशा जो उदाहरण देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं इस समय काउंसलिंग के लिए, उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंग्जाइटी या चिंता, और इनको हमेशा डर लगा रहता है। और डर क्या रहता है, कहीं कुछ हो न जाए, ऐसा हुआ तो, उनकी भाषा ही ऐसे होते, असद हालतर ये हुआ तो क्या करे, कैसे होगा। तो वो डर माना अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, और जिसके वजह से उनके मन और उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर, कई बार वो एक्चुअल डेंजर कुछ होता ही नहीं है, फिर भी उनके अंदर वो जो विचार और इमेजेस चलती रहती हैं, वो उनको ज्यादा डराती हैं। इट इज इमेजिनरी मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? और जैसे डेल कार्नेजी ने एक किताब लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, उनका इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, कि जिन डर के बारे में हम सोचते मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते ही नहीं है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इमेजिनरी होते हैं, हमारे मन के अंदर होते हैं। लेकिन अभय, ये इस क्वालिटी को समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी में भी जो इमोशंस बताए हुए हैं, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सक ये मानते हैं कि केवल दो ही भावना होती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक है फियर और दूसरा है लव। तो अगर आपके अंदर फियर है, माना आपके अंदर लव नहीं है, और जहां लव है वहां फियर नहीं हो सकता। इवन जो हमने उदाहरण देखा है ना, नाग या सर्प के बारे में, मोस्ट ऑफ द लोगों को सर्प का डर रहता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको सर्प का डर नहीं रहता है, ठीक है ना? तो वहां पे वाइब्रेशन की बात है और यहाँ पर भी वाइब्रेशन की बात है। जब हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव रहते हैं तो हमको डर नहीं रहना चाहिए। और सभी डर के जड़ में जो है वो है मृत्यु का डर। हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिसगाइज। ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगा, है ना? जैसे गरीबी का डर है, गरीबी होगी, पैसा नहीं आएगा तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, धूप अग्नि छाव जो भी है उससे मेरे को मैं प्रोटेक्टेड नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर मैं बीमार पड़ूंगा, बीमार पड़ के मैं मर जाऊंगा। तो रूट को अगर आप ट्रेस करते जाओ तो लास्ट में मृत्यु आता है। और वहां पे आध्यात्मिकता कहती है कि आप कभी मरते ही नहीं, यू आर ऑलवेज इटर्नल। उसी का डर निकल जाता है, डर ही निकल जाता है कि आप पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहने वाले हैं। तो जिसने सचमुचता में अध्यात्म का अभ्यास किया है और उसका अनुभव है, नॉट अ थ्योरी, ये उसका अनुभव है, तो उसका डर निकल जाता है। और मैं खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ इतने साल से, हम धारण कर, डर निकालना बहुत टाइम लगता है।
अभय अवस्था आने में टाइम लगता है, और उसके लिए अभय के साथ मुझे यहाँ पर फिर से परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि अभय कौन रह सकता है जिसके पास एक क्वालिटी है, वो माना सत्यता। जहां सत्यता है वहां ही अभय आ सकता है क्वालिटी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई ना कोई डर रहेगा जी। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पकड़ के रखा है, किसी ना किसी चीज को पकड़ के रखा है जो चीज हमको सिक्योरिटी की फीलिंग देती है। बाहर कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं है, ये आध्यात्मिकता कहती है। मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आती है, कहानी का मैसेज हमको पकड़ना चाहिए कि एक गुरु अपने शिष्यों को सुना रहा था परमात्मा के बारे में। तो जिस बिल्डिंग में वो बैठे थे, तो उस बिल्डिंग के इलाके में अचानक भूकंप आ जाता है, तो बिल्डिंग हिलने लगती है। तो जैसे ही बिल्डिंग हिलने लगते है सभी शिष्य भाग के जाते हैं, लेकिन गुरु हिलता नहीं है। गुरु अपने स्थान पर बैठ के बैठ जाते हैं आँख बंद करके। थोड़ी देर बाद में भूकंप रुक जाता है, तो सभी शिष्य वापिस आते हैं और गुरु को पूछते हैं कि इतना बिल्डिंग हिल रहा था, आप भागे क्यों नहीं? और गुरु का जवाब बहुत अच्छा है। गुरु कहता है कि भागे तुम भी और भागा मैं भी, सिर्फ तुम बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा जहाँ पे सुरक्षितता है। तो ये बात अनुभव से आती है कि सिक्योरिटी जो है, सुरक्षितता है, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है ना? हैविंग सेड दिस, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने बस आ रही है और आप कहो कि मैं तो निर्भय हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सब मानसिक बातें कि हमको असुरक्षितता की फीलिंग, ये जो 26 गुण बताया है, अभयम सत्वम संशुद्धि, उसमें दान दमश्य यत्नश्य स्वाध्याय तप अर्जव, ऐसे 26 गुण बताए हुए हैं उसमें। मुझे लगता है कि अगर आप ये चाहते हैं सभी गुण आए, तो उसमें एक गुण को पकड़ना चाहिए जिसमें सभी गुण आ जाते हैं, वो है सत्यता। क्योंकि परमात्मा की जो गायन है, आपने देखा होगा भारत में ये गायन है, एक दो गायन है, एक सत्यमेव जयते कहते हैं और दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम है। जो सत्य है जो वही शिव है और वही सुंदर है। तो सत्यता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। जहां पे सत्यता है जी। और दूसरा गुण मैं लेना चाहूंगा वो है अहिंसा। जहां पे ये दो गुण है ना, बाकी के सब गुण उसका भी, जैसे इसमें आप देखो अक्रोध है वो भी अहिंसा हो गई है ना, किसी भी प्रकार की क्षमा, ये भी अहिंसा की तरफ आता है। तो सत्य और अहिंसा में बाकी सब आ जाता है। और अगर आप सच है, तो बाबा जैसे हमको मुरली में कहते हैं सच तो बिठो नच, अब ये सिंधी शब्द है कि जो सत्य वाला होगा वो हमेशा नाचता रहेगा और उसको डर नहीं रहेगा। डर किसको रहता है? जिससे गलती हुई है उसको डर रहेगा, क्योंकि उसका दिल खाता रहता है गलती हुई है, पकड़े जाएंगे। हमारे एक भाई बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक सभा चल रही है या आप सेशन ले रहे हैं और उस सभा में सभी लोग बैठे, पर उसमें एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो चोरी करके आया है। अभी उसको ही पता है और किसी को नहीं पता, बिल्कुल आराम से बैठा है। अभी उस लेक्चर में अचानक अगर पुलिस वाला आ जाता है लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो डर सिर्फ उसी को रहेगा, डर उसी को रहेगा। इवन साइकोलॉजी में भी ऐसी कई टेस्ट है कि वर्ड्स के एसोसिएशन उन्ही को होते हैं जिनके अंदर वो चीजें हैं। यस, बराबर बताया आपने, ये एसोसिएशन है ना। तो डर क्यों लगेगा? क्योंकि उसने चोरी किया और उसको पता, अरे बाप रे इसको पता तो नहीं चल गया, क्योंकि आपका कॉन्शियंस ही आपको गवाही देता है। तो डर आता है माना कहीं ना कहीं हमने कुछ उठा लिया है जो हमारा नहीं है, मन से उठाया है, भले बाहर से नहीं उठाया है, मन से उठाया, बाहर से नहीं। हमको परमात्मा ये बहुत अच्छा कहते हैं कि जब बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी तो संस्कार ऐसे है, अभी आदत ऐसे है, जाती नहीं है, ये बहुत पुरानी आदत है, तो बाबा कहता है किसी और की चीज को अपना कहना अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने हमको कहा कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये रावण की प्रॉपर्टी है जिसको आपने उठा लिया हाँ, है। हाँ, जिसको आपने उठा लिया है और आप उसको अपना समझ रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी तो दैवी प्रॉपर्टी है, ईश्वरीय प्रॉपर्टी है, तो इसको छोड़ दो बच्चे, आपने गलत चीज को पकड़ा। और यही हमको समझना है, आध्यात्मिकता माना सही चीज को पकड़ना, और सही चीज को जब आप पकड़ते हैं ना, तो गलत चीज को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छोड़ जाती है अपने आप। तो ये सब दैवी गुणों में अगर आपको अटेंशन रखना है कि दैवी संपदा, क्योंकि इसमें आगे ऐसा वर्णन आता है कि जिसके अंदर दैवी संपदा होते हैं वो मोक्ष या मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। और आसुरी संपदा वाले, उसके 6 लक्षण बताए, दंभ, दर्प, अभिमान, घमंड,
ये सब जो छह गुण बताए हुए हैं उसके वजह से वो बंधन में आते हैं, मतलब दुखी होते हैं। तो आसुरी गुणों को छोड़ना है, दैवी गुणों को धारण करना है। और अर्जुन, इसमें एक शब्द आता है रुजुता, तो अर्जुन का अर्थ है रुजुता, जिसमें रुजुता ये शब्द बहुत सुंदर है संस्कृत का, इसका मतलब है सरलता। जी पहले भी हमने देखा है सरलता का गुण, तो अर्जुन बिल्कुल सरल है, ठीक है ना, और वो भगवान के सामने स्पष्ट है। जी मतलब सत्य को न छिपाने का भाव, इतना सुंदर बताया हुआ है कि कोई सत्य को न छिपाने का भाव यानी सरलता है। हाँ, तो सरलता का भाव अर्जुन में है। और वो जो दूसरे अध्याय में कहता है कि शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है पर मेरे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे रास्ता बताओ, मैं आपके शरण आया हूँ। तो इस तरह से सरेंडर करने पे अंदर बाहर जब एक होता है तो परमात्मा की ब्लेसिंग आना चालू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 26 दैवी गुण बताए हुए हैं उसमें हम दो गुण पकड़े, सत्य और अहिंसा, तो उसमें बाकी के सभी 24 गुण आ जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरा फैमिली है, पूरी फैमिली है। हाँ, एक को आप लो तो दूसरा ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट रहता ही है। और एक गुण अगर पकड़ना है तो केवल सत्यता को लो, और सत्यता भी इतना ईजी नहीं है, सत्य और सच इसमें फर्क है। सत्यता यानी मुझे लगता है इटर्नल, जो है जैसा है उसको वैसा ही समझना। तो सत्य माना क्या, जो हमको परमात्मा ने बताया जी, कि मैं अपने सत्य स्वरूप को जानना, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना, ये संपूर्ण विशाल जो ड्रामा है, नाटक है, उसके सत्य स्वरूप को जानना, वही है सत्यता को धारण करना। तो कितनी विशाल व्याख्या हमको परमात्मा ने दी, उसकी शुरुआत ही होती कि अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करना, और ये स्वाध्याय से शुरुआत होता है जब हम स्व का अध्ययन करने लगते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिकली आने लगता है। लेकिन धारणा अगर हम दें, आप देखो आपने भी और कई लोगों ने, महात्मा गांधी जी जिनको हम बापू जी कहते हैं, तो उन्होंने जो किताब लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो उन्होंने दो गुणों के आधार पर, सत्य और अहिंसा, उन्होंने ये दो गुणों को इम्पोर्टेंस दिया अपने जीवन में जी। और आज वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, है ना, और बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर के लोग भी उनको रोल मॉडल मानते हैं। तो किसके आधार पर, सत्य और अहिंसा के आधार पर। तो ये दैवी संपदा वाले गुणों की क्वालिटी रहती है, पर ये गुण धारण करने के लिए बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। हाँ। और कई लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे पास आके मिलते हैं, कहते हैं कि सचिन भाई हम कभी झूठ बोलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है, झूठ बोलते हैं, कई बार लूज टंग भी बोलते हैं कि कई हमें समझ में नहीं आता है, बहुत इजीली वो निकल जाता है। इनफैक्ट कई लोग ये कहते हैं कि अगर दूसरों को दुख नहीं है उसमें, जब हमारे झूठ से नुकसान नहीं है और अगर कुछ अच्छा ही हो रहा है तो वो झूठ बोलना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों बहुत सारे लोग डिफेंस करते इस बात के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ कभी भी छिप नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। जैसे सूर्य को आप छिपा नहीं सकते, वैसे झूठ को छिपा नहीं सकते। आप कहते नहीं वो व्यक्ति मर गया जिसको मैंने झूठ बोला, फिर भी छिप नहीं सकता है, मैं कहता हूँ, क्योंकि जब भी आप झूठ बोल रहे हो, देखो आध्यात्मिकता कितनी सूक्ष्म है, जब हम इसके गहराई में जाते हैं ना तब हमको पता चलता है। आपने झूठ बोल दिया, चलो जिसको बोल दिया वो मर गया, तो केवल आपको पता था, उसको पता था, तो वो तो चला गया, लेकिन जब आप झूठ बोल रहे थे तब आपका कॉन्शियस सुन रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मतलब और भगवान है और आप खुद हैं, जो दोनों तो आप उसको सुन रहे हो। यस, और आपका कॉन्शियस उस समय आपको बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। लिंकन की एक स्टोरी मुझे याद आती है, वो एडवोकेट थे, तो उनके पास एक केस आया और उसमें उनको झूठ बोलना था, पर पैसे बहुत मिल रहे थे, तो लिंकन ने कहा मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि जब मैं केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में, मुझे जज को सुनाना है, मैं जज को तो झूठ बोलूंगा, लेकिन अंदर मेरा कॉन्शियस मेरे को बार बार बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे जज के साथ नहीं रहना, ना तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मेरे साथ रहना है। ये डिसीजन हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपकी असत्य की अल्पकाल की जीत होती है। आपने अभी झूठ बोल दिया, चलो दुनिया की नजरों में आप अच्छा हो गए, लेकिन कब तक आपका नुकसान क्या हो रहा है पता है? नुकसान ये हो रहा है कि आपकी वो आदत बन रही है जी। आदत बन रही है और आपके कॉन्शियंस को आप दबा रहे हैं, फिर वो कॉन्शियंस उठेगा नहीं, वो कहता है ये मेरा मानता नहीं है तो मैं क्यों इसको याद दिलाऊं, फिर कर जो करना है, फिर धीरे धीरे वो संस्कार पक्का होते जाता है और फिर ऑटोमेटिकली कर्मों के हिसाब से उसका रिटर्न आपको आएगा। लेकिन कई बार रिश्तों में ऐसा है कि सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं करता है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा,
पति पत्नी तो छोटी छोटी बात होती है, उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला होता है, पर बहुत झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए भी लोग छुपाते हैं या इसीलिए भी लोग झूठ बोलते हैं। बहुत कॉमन है आजकल ये रिश्तों के अंदर। तब क्या करना है मतलब, और दे आर वेरी कन्विंस्ड कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इतनी हम हर रोज़ इतना नहीं सह सकते। जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से डिबेट होता है, हमारे सहन शक्ति के बाहर है इस चीज़ को, क्योंकि सामने वाले की बुद्धि इतनी है ही नहीं कि वो समझ सके। तो बेटर है कि 2 मिनट का काम होता है, बस ये चीज़ हुई है नहीं हुई है इतना बता दो, बात पूरी हो जाती है। इसीलिए आजकल के लोगों में आत्मबल बहुत कम है, वो फेस नहीं कर पाते हैं। सच बोलने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम नहीं, एक मिनट, आप अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि सच बताने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हाँ। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। आप करके देखो ना, 100 सिचुएशन में आप सच बोलो, 100 सिचुएशन में आप झूठ बोलो, और उसके बाद अपनी इंटीग्रिटी को देखो, अपनी पावर को देखो। सत्यता इस समय की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा बाबा की मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा को उस समय जब हम ये ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की स्टोरी पढ़ते हैं, अद्भुत जीवन कहानी, तो एक बार बाबा के नाम से वारंट आया था, पुलिस आए थे, तो जो गेट पे भाई था उन्होंने कहा बाप रे बाबा को लेके जाएंगे, तो उन्होंने युक्ति से, है ना, ये लोग सच बताने के बजाय युक्ति युक्त शब्द इस्तेमाल करते कि उनको बोला बाबा अभी भोजन कर रहे हैं, और पीछे से एक भाई को भेजा। अभी वो जाके स्टेल आया तब तक पुलिस थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, इतना टाइम लगता है क्या भोजन करके, ऐसे करके। और फिर जब पुलिस चले गए स्टे ऑर्डर लेके, तब ये भाई बहुत खुश होकर बाबा के पास गया कि अच्छा बाबा को हम बताएंगे कि कैसे पुलिस वालों को रोक के रखा। तो जब बाबा को सुनाया कि बाबा हमने युक्ति से उनको सुनाया, तब ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट कहा बच्चे आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा बोल देते कि ये ब्रह्मा का तन है, शिव बाबा ने इनके अंदर प्रवेश किया, आपके अंदर आत्मबल नहीं है। भाई ब्रह्मा बाबा को आपको रोल मॉडल के रूप में सामने रखते हैं, कितने पेपर आए, कितने लोगों ने विरोध किया, क्यों? क्योंकि एक क्वालिटी जो बाबा ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की वो है पवित्रता। चाहे दुनिया पूरी विरोध में चली गई, देखो ब्रह्मा बाबा कितने फेमस थे, माना चारों तरफ राजे महाराजों में उनका रेस्पेक्ट था, लेकिन जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया और बाबा ने पवित्रता का महत्व महसूस किया, तो पवित्रता की धार, माना जो भी आते थे पवित्र जीवन जीते थे, लोगों को इससे थोड़ी तकलीफ हुई, तो पूरी दुनिया जो बाबा को पहले रेस्पेक्ट देती थी वो टोटली अपोजिट हो गई। लेकिन बाबा ने अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि लोगों को बुरा लगेगा, मेरी इमेज खराब हो रही है, पेपर में आ रहा है, नहीं, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज। पर क्या नुकसान हुआ बाबा का? भगवान आपके साथ है जी। और आप सच के मार्ग पर चल रहे हैं। उस समय विरोध तो हुआ, सहन तो करना पड़ता है, लेकिन आज 140 से अधिक देशों में ब्रह्मा बाबा को यानी टेम्पररी आपको बिगिनिंग फेज में ऐसे लगता है कि नुकसान हो रहा है, पर लंबे समय में उसमें आपको फायदा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, और दैवी संपदा वाले व्यक्ति का ये पावर होता है, अगर आप सच है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि लोग इसको ना इम्प्रैक्टिकल समझते, जैसे आपने कहा मम्मा मातेश्वरी, अभी सोचो एक कुमारी को कोर्ट में बुलाया गया और उसको पूछा कि आप इनके गोदी में जाकर क्यों बैठते हो। अभी कोई पूछे जज में, पूरा कोर्ट भरा हुआ है, लेकिन वो 16 साल की कुमारी है ना, माना 10वीं में पढ़ने वाले समझो, 16 से 18 जो भी उम्र होगी, उन्होंने कहा कि जज साहब क्या आपकी बेटी आपके गोदी में आकर नहीं बैठती है? ये बोलने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, और ये केवल प्यूरिटी और सत्यता से आ सकता है। तो सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, सत्यता के आधार पर ही सतयुग आता है। एक्चुअली सतयुग माना सत्यता की शक्ति है वो जी। और मुझे लगता है कि यस, क्योंकि हमको आदत लगी हुई बहुत समय की, हमको डर लगता है कि सच बताएंगे तो सजा होगी। मुझे ऐसे लगता है अगर गलती हो गई तो एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितना हम झूठ बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो टेंशन बढ़ता है हमको, क्योंकि किसको क्या झूठ बोला है वो मेरे को याद रखना है, सो इट्स अ स्ट्रेस। इसके बजाय सच बोल के परिस्थिति को फेस करके अगली बार से अटेंशन रखना है जी। तो ये दैवी गुण, इसीलिए कहा कि सभी लोग परमात्मा को अनुभव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि दैवी संपदा से युक्त नहीं है जी। और ये सब गुण आना इतना इजी नहीं है, सिमिलैरिटी में दोस्ती होती है ना, ये गुणों की ताकत है। और परमात्मा को भी ऐसे बच्चे बहुत प्रिय है जो दैवी संपदा से युक्त। यहाँ पे श्लोक आता है कि परमात्मा कहता है कि अर्जुन तुम दैवी संपदा से पहले से ही युक्त हो जी। और इसके अपोजिट अगर हम आसुरी गुण ले लें,
आसुरी गुण माना क्या है, दम्भ, दर्प, दर्प माना अपने शक्ति का अभिमान आ जाता है। अच्छा। जिसके साथ ताकत होती है ना, जो थोड़ा फिजिकली अच्छा होता है वो अपनी दादागिरी दिखाता है ना, सब उससे डरे रहते। तो दर्प, दम्भ माना अंदर एक बाहर एक, ठीक है ना। दम्भ है, आप बाहर से दिखा रहे आप अच्छे हैं लेकिन अंदर से आप अच्छे नहीं, नहीं है ना। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये सब जो गुण है ये आसुरी गुण है और ये लोगों को प्रिय नहीं होते हैं ना, लोग इनको अवॉइड करते हैं और ये आसुरी गुण है और परमात्मा से हमको दूर लेके जाते हैं। तो हमको लक्ष्य रखना चाहिए कि दैवी गुण हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा आते जाए। और मेरा ये अनुभव है कि जितना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना दैवी गुणों के ऊपर अटेंशन रखते, जैसे आपने आज अटेंशन रखा कि आज के दिन मैं सत्यता का गुण धारण करूंगा, अभी एक दिन की बात नहीं है, सिर्फ अटेंशन रखना और फिर देखना आप कि आपको कैसा लगता है। आज के दिन मैं नम्रता के ऊपर अटेंशन रखूंगा, यानी बेसिकली आपको सुबह मॉर्निंग में जब आपका दिन शुरू होता है तब आपको प्रोग्रामिंग देना है, तभी जाकर आदतें बदल लेगी। खाली सोचने से नहीं होगा, सोचने से पर हर रोज उसको अटेंशन में लाना पड़ेगा। पीछे भी हमने कई कड़ियों में चर्चा की थी जब हम साइकोलॉजी की बातें कर रहे थे, यानी सीबीटी की आदि बात कर रहे थे, तब भी बताया था कि एवरी सिंगल डे आपको होमवर्क की जरूरत है अपने आप एक नए ट्रैक में डालने के लिए, होमवर्क इज मस्ट। मैं ये गारंटी देता हूँ कि खुद इसका अनुभव किया है कि जब आपके अंदर ये गुण आने लगते हैं ना, निगेटिविटी ड्रॉप होने लगती है। ऑब्वियस है, कोई भी एक चीज ही रहेगी, अगर जब इसका ग्राफ इंक्रीज होता है तो नेचुरल नेगेटिविटी का ग्राफ डाउन होना ही है। यस, पर माना इसको अटेंशन से लाना पड़ेगा। हाँ, अटेंशन की जरूरत है। यस, अटेंशन की जरूरत है और इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करना, नहीं तो जैसे आपने कहा ना, जैसे ही रेजिस्टेंस हुआ ना, लोग वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बेसिकली वही है, क्योंकि हर रोज की उलझनें इतनी ज्यादा है लाइफ में, तो लोग सोचते हैं कहाँ इस पे इतना ध्यान दे, बाकी उलझनों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन हो, चाहे रोजमर्रा की लाइफ हो, चाहे बाहर आपको सोशल लाइफ में जो जीना है। ज्यादातर लोगों का अटेंशन इन सब चीजों पर है, तो पूरा दिन उनका कहाँ जाता है उनको खुद को पता नहीं चलता। तो फिर वैल्यू जो आती है उसको, ठीक है थोड़ा अभी नहीं, अभी नहीं, ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, इस तरह से वो पोस्टपोन कर रहे कहीं ना कहीं ये लाइफ को। तो स्पिरिचुअलिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बट शायद उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, टाइम नहीं है। प्रायोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि समझ नहीं है, उसकी गहराई में गए नहीं है। नहीं, वो डिफिकल्ट लगता है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं, जिस बात को मेरी बुद्धि एक्सेप्ट करती है कि इससे मेरे पास सब आएगा, है ना, मेरे सभी समस्याओं का समाधान उसमें, जब मेरी बुद्धि ने एक्सेप्ट किया, प्रायोरिटी अपने आप आ जाती है। यानी प्राप्ति पता नहीं है क्या हो रही है। यस, और नुकसान भी पता नहीं है नई धारण होने से क्या होने वाला है। एक्चुअली क्या है कि जड़ को न पकड़ के हम टहनियों को पकड़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फिलोसॉफी जो है बेस में, वो जल्दी तर्क इतने हावी हो जाते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं होता है। उसको डिफेंड करना आना चाहिए, उसको सॉल्व करना है, इसके लिए तो ये सेशन है ना। हमारे पास आते हैं बोलते टाइम नहीं है अभी, फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ मैं, एक बात टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने पहले भी बताया कि प्रायोरिटी नहीं है, टाइम सबके पास है, प्रायोरिटी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैं समय दूं तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि जड़ क्या है आप वो देखो, जड़ है मन, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्षय। हाँ। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्षय, माना मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन के अंदर अगर शक्ति नहीं है जी, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन आएंगे रिलेशन से हर जगह पर। मन को शक्तिशाली बनाना है तो दिव्य गुणों को धारण करना है, मन के साथ बुद्धि भी है जी। तो जब ये बात समझ में आती है कि बेसिक है मन स्टिल होना चाहिए, आत्मा शांत होनी चाहिए, दिव्य गुणों से भरपूर होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जब ये बुद्धि एक्सेप्ट करती है, बुद्धि को कन्विंस हो जाता है, तो टाइम अपने आप निकल जाता है जी। लेकिन अभी लगता है कि बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस अध्याय में हम ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा चिंतन करो और कुछ गुणों को, जैसे बताए ना, आज के दिन ये गुण मुझे धारण करना है, आज के दिन ये गुण धारण करना है, ये प्रैक्टिस करके खुद देखो कि आपको 10 दिन 15 दिन में कैसे लगता है। जैसे आपके अंदर दिव्य गुणों की ताकत आने लगेंगे, अपने आप इसके लिए समय देना चालू करोगे और आप दैवी संपदा से, जैसे इस अध्याय में कहा, भरपूर होने लगोगे। बहुत ही अच्छा, यानी हमने ये 16वें अध्याय को जो आज देखा, जिसमें दैवी संप्रदाय के गुण और आसुरी संपदा के गुण आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और फिर से प्रैक्टिकल में उसको कैसे लाना है ये भी बात आपने सुनाई। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। 16वें अध्याय में जब हम पहुंचे
तो हमने यही बात जानने की कोशिश की कि ये जो गुण हैं, जो दैवी संपदा के गुण हैं, उसको लाना भले डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम निश्चय करें और हमें ये पता चले कि ये गुणों से हमारी प्राप्ति क्या हो सकती है, हमें क्या क्या मिल सकता है, शायद हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गुण हमारे पास आ जाते तो वो चीज़ें भी अपने पास हमेशा के लिए आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और आसुरी संप्रदाय के गुण अगर हम धारण करते तो उसे लंबे समय के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये बात आप जानते ही होंगे। आप सोचिए, अगर आपके कोई भी बात, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। नए रहस्य के साथ फिर से हम अगले कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।